मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरियंग कॉइल बेटा, और सिंपली ए करंट कैरियंग लूप जो है इसका मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेकेंडली हम बेटे बात करेंगे बोहर मैग्नीटोन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम कैसे मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट को इंडिकेट करेगा, दैट वी ऑल आर टू गो फॉर विद दिस एज सच। बेटे करंट कैरियिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल या करंट कैरियिंग लूप का आप मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट जब निकालते हो, इमेजिन कर लीजिए ये आपका करंट कैरियिंग कॉइल है और ये करंट कैरियिंग कॉइल ने क्लॉकवाइज सेंस में करंट कैरी कर रखा है, एंड इमेजिन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज आई। अगर आप इसके टॉप फेस से व्यू करोगे, करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कौन सा पोल होगा टॉप पे? साउथ होगा। आपको एक छोटा सा मेमोरी है डियर चिल्ड्रन, बताया था आप भूल जाते हो बीच में। ये अगर आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज सेंस में है, तो दैट विल बिकम द साउथ पोलैरिटी, और अगर आपका करंट डियर चिल्ड्रन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, देन दैट विल गिव यू द नॉर्थ पोल ऑफ द क्वाइल और द मैग्नेटिक फील्ड एज सच। राइट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप इसको देखो, व्यू करो ध्यान से, टॉप पे साउथ और बॉटम पे नॉर्थ बन जाएगा, एंड मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट कैपिटल एम दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपका कैपिटल एम आ जाएगा, और हमें नहीं पता ये कितना है। वी इंटेंड टू कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट। राइट बेटा, बैकग्राउंड क्या है इसका, आया कहाँ से है ये, आइए जरा बात करके देखें। आपको याद होगा हमने एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ कैपिटल बी के बराबर है, इसमें एक करंट कैरिंग लूप जो आई करंट कैरी कर रही है, जिसका एरिया ए है, एन नंबर ऑफ जिसकी टर्न्स हैं, इसको प्लेस किया। इश्पुनीत, इस करंट कैरिंग लूप पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा बेटा? हाँ जी सर, एक करंट कैरिंग लूप है, स्क्वेयर फॉर्म में ले लो चाहे, इस करंट कैरिंग लूप को आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में सस्पेंड कर रखा है, हाउ मच टॉर्क इट विल एक्सपीरियंस? सर R F sin थीटा, मतलब अगर उसे देखे तो नहीं नहीं तो सर इसे, एक मिनट जरा देखिएगा, हाँ एन सर ई MB sin थीटा। ए साइन हाँ जी थीटा सर, कुछ ऐसा निकाला था हमने। हाँ जी यस सर, एंड सेकेंडली अगर आप इसको इक्विवेलेंट टू द बार मैग्नेट इमेजिन कर लें, लेट अस से दैट हियर लाइज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ होना डेफिनेट है। देन अगर ऐसी सिचुएशन है, हमने इसके अंदर एक बार मैग्नेट प्लेस किया हैविंग द पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, और आपका इस पे फोर्स एक लगेगा एम इंटू बी के बराबर, इस पे फोर्स लग जाएगा इस तरफ एम इंटू बी के बराबर, ये आपका डेफिनेटली साउथ और नॉर्थ पोल होगा, और आप इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकाल लिया करते हो, तो ये इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये वाला। राइट, यस सर। और टॉर्क इस पे कितना एक्ट करेगा, टाओ कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू आइदर फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू बी, और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा कितना है। तो ये मैग्नेटिक लेंथ आपकी 2L है, इट विल बी दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन 2L इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा,
एंड इट विल बी टू एल एंड साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चेक करके बताइए। आंसर 2L साइन थीटा है। देन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? एम क्रॉस एल, बड़े वाला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल बी एस एच साइन ऑफ एंगल थीटा एस एच। अब ये वाला रिजल्ट देखिएगा ध्यान से, एंड सेकेंडली ये वाला रिजल्ट बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर मैं सिंगल टर्न ले लूं बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स है ना ये आपकी, अगर आपका सिंगल टर्न होगा टॉर्क विल बी इक्वल टू बी आई ए साइन ऑफ एंगल थीटा इट विल बी बेटा। नाउ लेट अस कंपेयर द टू टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द सेम कॉइल व्हेन सस्पेंडेड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ कैपिटल बी प्रोवाइडेड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बेटा। इन दोनों रिजल्ट्स को जब आप कंपेयर करोगे, लेट अस गो फॉर विद द कंपैरिजन एंड वर्क आउट व्हाट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज टर्निंग आउट टू बी। आपके पास आ गया एम बी साइन थीटा, दिस इज बी आई ए साइन थीटा, ये साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, एंड कैपिटल बी भी आपका कैंसल आउट हो गया। एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आई इनटू ए। तो ये रिजल्ट हमने एस सच यूज किया था कि आपका करंट कैरिंग कॉइल जो है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम जो है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग लूप और द कॉइल बेटा। इज इट जस्टिफाइड टू ऑल डियर चिल्ड्रन? कोई पॉइंट ना पता चला हो? अभी उपल, देन ध्रुव शर्मा, सिया, वंशिका एंड अभय शर्मा, अंशिता, इश्पुनीत, क्षितिज, मानविया, रोहन, सुप्रिया। यस बेटा। यस सर। कौन से वाला बेटे? अच्छा टॉर्क वाला कह रहे हो आप। देखिए जरा, देखिए बेटा एक पॉइंट बेटे बीच में आया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा देखिएगा, सारे स्टूडेंट्स देखिएगा बेटे एक बार, मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ इसको। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका इस रीजन में एक्ट कर रहा है राइट बेटे, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ इधर और साउथ इधर ही होगा फिर अगर डायरेक्शन ये है तो। आपने इसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल यानी एक मैग्नेट प्लेस कर रखा है, आपने इसमें रख दिया, इसका नॉर्थ पोल आपने इधर रखा हुआ है, साउथ इधर रख दिया। मैग्नेट की लेंथ आप जनरली 2L लिया करते हैं, 2L ही रखते हैं। पोल स्ट्रेंथ आपका स्मॉल m है दोनों केसेस में, इधर भी m है इधर भी m है। पोल स्ट्रेंथ इनटू द मैग्नेटिक फील्ड b, ये आपको मैग्नेटिक फोर्स दे देगा m इनटू b के बराबर, और सेम विल बी द केस ओवर हियर, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा m इनटू b के बराबर। समझ आई बात? अब हमने टॉर्क निकालना है, टॉर्क के लिए आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आपकी मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया, इधर देखो जरा ध्यान से, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, एक्स अपॉन टू एल साइन ऑफ एंगल थीटा होगा, एक्स इज टू एल साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। फोर्स कितना है आपका m into b, और ये कितना है 2l into sin theta। m और 2l को आप कोलैबोरेट कर लो, कंबाइन कर लो, ये कैपिटल m into b sin of angle theta, और दूसरा टॉर्क आप ऑलरेडी कर ही चुके हो सेकंड केस में, और वो टॉर्क आपका था बेटा tau is equal to m को अगर वन ले लें b i a साइन थीटा, इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, आपके पास एम जो है आई
इंटू ए के बराबर आ जाएगा. विद आई बी द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल और द लूप एंड ए एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल विच इज कैरियंग करंट आई. बता इश्पुनीत एंड अदर स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल? कोई पॉइंट कोई नहीं पता चला हो तो बताइए. हाँ जी सर, क्लियर है. चले आगे बेटा. अब बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करने वाली है, आपका जो एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, या आप बोहर मैग्नीटोन भी कह देते हो. आइए इसको देखें बेटा. एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, लेट अस बी कंसंट्रेट अपॉन दिस. इमेजिन आपके पास एक बेटा ऑर्बिटल पाथ है. इस ऑर्बिटल पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन राउंड अबाउट द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है. ये सेंटर है आपके ऑर्बिटल पाथ का. सेंटर पे डेफिनेटली न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस हैज गॉट सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट बेटा. ये इलेक्ट्रॉन आपने इमेजिन किया इस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. ठीक, आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट होता है. इफ आई एम टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट देन इट मस्ट बी इन द क्लॉकवाइज सेंस बेटा. ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आ गया बेटे, चेक करिएगा जरा, ऐसा ही है. और आपका जो ऑर्बिटल रेडियस है ये ऑर्बिट का, जिस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर. एक बार बेसिक जान पहचान फिर से करिए टर्म्स के साथ. सेंटर पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के राउंड अबाउट आर रेडियस के ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी वी. वी वेलोसिटी लिख लेना चाहिए हमें. और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो करंट इसकी उल्टी डायरेक्शन में हमने इमेजिन किया करना पड़ेगा. करंट विल बी इक्वल टू कैपिटल आई, ये बात हमने अज्यूम कर ली. अब इस करंट की वजह से, अब आपका करंट देखिए क्लॉकवाइज सेंस में है तो इधर साउथ पोल बन जाएगा एंड एट द लोअर एंड बेटा इट विल बी नॉर्थ पोलैरिटी और नॉर्थ पोल. और आपका एक जो मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट है इसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से दैट विल बी डायरेक्टेड वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे को होगा, साउथ टू नॉर्थ होता है. इश्वनीत? यस सर. क्लियर? हाँ जी सर. ध्रुव शर्मा, अभी गुंजोत, सिया, वेरी नाइस. आप लोगों ने अभी अभी कहा था मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट एम आई और ए के प्रोडक्ट के बराबर है, विद आई बीइंग द करंट एंड ए बीइंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? डियर चिल्ड्रन, आपका जो आई है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इसके बराबर हुआ करता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई के बराबर है. जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पाथ कंप्लीट करता है दैट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड कैपिटल टी. एक कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट में ये दोनों पर्टिकुलर इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, आई विल बी इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा जी, राइट? और साथ ही साथ आप ये भी देखो, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस लूप का, इस ऑर्बिट का, दैट विल बी इक्वल टू बेटा पाई
एंड आर स्केयर, इट विल बी देयर। ये दोनों वैल्यूज को मैं बेटा इक्वेशन नंबर वन इसको बोल देता हूं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस अहेड। बेटा मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट आपके पास आ गया ई अपॉन टी इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब टी तो हमें पता नहीं है बेटा, इश्कुनीत बेटे टी निकालने के लिए क्या करें, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? सर टी के सर सर उसको लिख दो ना सर 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा भी नहीं हमें पता तो सर हमें सिर्फ वी पता है, वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, और कुछ तो नहीं। तो सर फिर ओमेगा तो सर वो होता है ना सर कहते हैं ओमेगा सर कहते सर सर आर सर सॉरी सर सर वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो सर वी बाय आर ओमेगा आ जाएगा ना बेटे। ओमेगा नहीं ना पता हमें, यही तो समस्या है। अरे सर सर टाइम पीरियड पीरियड को सर 2 पाई बाय ओमेगा है ना सर, तो ओमेगा को पुट कर दो सर वी बाय आर। हाँ हाँ सर डी आ जाएगा ना फिर कि क्या बना, फिर बना क्या, ये क्या बना सर सर 2 पाई बाय वी इनटू आर मतलब ऊपर आ रहा जाएगा फिर। तो अगर हम सीधा ही कह लें कि एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने में टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी बोल दें, तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली द टाइम पीरियड। सो वी यस सर सेम ही आ जाएगा आंसर, तो आंसर सेम ही आ जाएगा e अपॉन 2 पाई आर अपॉन v कह सकते हैं। हाँ जी सर आंसर वही आ गया जो मैं कह रहा था। हाँ जी आप अच्छा कह रहे हैं, v को एडजस्ट कर लीजिए e into v upon 2 पाई आर into पाई आर स्क्वायर कर लें, राइट? यस सर। एक पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, एक r भी कैंसिल आउट हो गया। मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट इज 1/2 into e into v into r, ये मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट आपका इसके बराबर निकला। लेकिन स्टिल हमें यहाँ पे बेटा जो है क्लियर कट नहीं पता चला कि मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट जो है कितना है। इसको क्लियरली वर्कआउट करने के लिए अगर मैं पूछूं बेटा, कोई बोलता नहीं है बच्चा, मानविया बेटा मानविया अभी ध्रुव बेटे आप बताओ व्हाट इज बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन? बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, पढ़ा हुआ है ना हमने 11th में बड़ी डिटेल में? नहीं 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 सिर्फ क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलो, बाकी छोड़ दो आप। ऐसे नहीं याद आ रहा, वो अपने इश्कुनीत बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन सर एफ इक्वल टू सर एल इक्वल टू एम वी आर सर एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम वी आर। और एंगुलर मोमेंटम इटसेल्फ किसके बराबर है सर? आई थिंक आई अल्फा नहीं सर वो एक्चुअली याद नहीं सर। एक मिनट ध्यान दीजिएगा सुनिएगा, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन हमें कहती है हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम एल दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई बेटा, राइट? दैट इज एल इसका एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। एल को आप जैसे एम बी आर कह देते हो दैट इज प्लस पॉइंट, इट इज एन एच बाई 2 पाई बेटा, और यहां से मैं वी आर निकाल लेता हूं, इट इज एन एच बाई 2 पाई एंड एम। ये जो वी आर की वैल्यू है इसको आप इधर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। इज इट जस्टिफाइड नाउ बेटा? पुट करके देखें वैल्यूज।
सेटिंग सिस्टम बंद हो रहा है बीच में। विश्वनीत यस सर, शुड बी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ईवी। हाँ जी सर, आइए वैल्यू पुट करके देखें वी और आर की, एंड लेट अस कंसंट्रेट व्हाट वी विल बी गेटिंग ओवर हियर इन ऑर्डर टू गेट अवर बोहर्स मैग्नीटोन। कैपिटल एम आपके पास आ गया 1/2, ई आपका एस एच रह गया, बी आर की जगह पर आपके पास आ गया एन एच बाई 2 पाई एंड एम बिट, ये आ गया। एन को मैं एडजस्ट कर लेता हूं एट द बिगनिंग, इट इज ई एच अपॉन 4 पाई एम बन गया। ये जो ब्रैकेट क्वांटिटी है ये वाली, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका ई कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, 4 तो चलो ऑलरेडी कांस्टेंट ही था, पाई कांस्टेंट है, एम इज स्टिल एन अदर कांस्टेंट। और अगर वैल्यूज की बात करें, ई आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एच आपका बेटे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच। यस सर याद है, बोलो सब डालता हूँ सर, 6.6 × 10⁻³⁴ × 10⁻³⁴ यूनिट्स सर, मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड, नहीं 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 जूल पर सेकंड सर, वही हो गया ना फिर। एंड एम आपका 9.1 × 10⁻³⁹ केजीज, अगेन वेल नोन टू अस, एम तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन का मास तो पता ही है। यस बेटे, व्हाट डू यू से? तो ये आपकी जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है ई एच अपॉन 4 पाई एम, जब आप सारी वैल्यूज पुट कर देते हो तो ये 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर माइनस 2 के बराबर आपका जो है ये आ जाता है। ये चीज को आप बोल देते हो बोहर मैग्नीटोन, बोहर मैग्नीटोन, एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू बी, एंड इट इज ई एच बाई 4 पाई एम। अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूअर बोहर्स मैग्नीटोन, मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, आप उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट है इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, आपके पास मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ द एटम आपको मिल जाएगा। सो डियर चिल्ड्रन, मैं ब्रीफली एक बार सारे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने की वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ इस पे। एक हमने न्यूक्लियस इमेजिन किया, न्यूक्लियस के राउंड अबाउट एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के बाद हमने करंट की डायरेक्शन मार्क कर दी, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हमने मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट बना दिया, मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट हमारा आई इंटू ए के बराबर है। हमने आई को, इलेक्ट्रिक करंट को बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ई बाई टी लिखा, टी आपका टाइम पीरियड होगा, तो टी को आप बेटे 2 πr/v लिख सकते हो, वी आपके पास अवेलेबल है। देन आफ्टर दिस बेटे हम क्या करेंगे, हमारा जो ए है दैट इज इक्वल टू 2πr², इस दोनों वैल्यूज को हमने एम इज इक्वल टू आई इंटू ए इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया, और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आपके पास जो भी रिजल्ट आया उस पे आपने बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन को अप्लाई किया। और बेटे बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन आपको क्या कहती है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π। ये आपके बोहर का थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट है, जब आप बोहर थ्योरी पढ़ते हो 11th स्टैंडर्ड में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा था,
एल आपका एम वी आर के बराबर भी है, आपने सब्स्टिट्यूट किया और यहां से वी आर निकाला, ये जो वी आर की वैल्यू है, देन यू सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन फॉर 1/2 इंटू ई इंटू वी इंटू आर, और ये वी आर की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी आफ्टर दैट, तो ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट कर दी है आपने, और ब्रैकेटेड क्वांटिटी आपकी बोहर मैग्नीट्यून कहलाती है, और हम इस तरीके से बेटा जो आपके एटम का एज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ यू कह सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल बिहेवियर नोट कर सकते हैं, राइट बेटा। चले आगे, अब इसके बाद बेटे इस टॉपिक के बिल्कुल पास मिलता जुलता एक छोटा सा टॉपिक था कि आप एक बार मैग्नेट की तरह सोलिनॉइड को किस तरीके से स्टडी कर सकते हो, दैट हाउ द सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, इसका कंपैरेटिव स्टडी आप जो है वो बता दीजिए। सो आइए बेटे, वी शुड डिवोट फ्यू मिनट्स अपॉन दिस डिस्कशन आल्सो, दैट हाउ द सोलिनॉइड कैन बी कंपेयर्ड टू द केस ऑफ ए बार मैग्नेट, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या दोनों में बेटा फर्क है। बार मैग्नेट बेटा एंड सोलिनॉइड बेटे, बार मैग्नेट की बेटे जब हम बात करते हैं, ये आपके पास बेटे कुछ इस तरीके का इसका ज्योमेट्रिकल शेप है, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल है। अगर मैं ऑन द अदर साइड बेटा सोलिनॉइड की बनाऊं, तो सोलिनॉइड की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके की होगी, दिस वी मे कॉल एज द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड को आप कुछ करंट सप्लाई कर दोगे और आपका सोलिनॉइड जो है इसमें करंट के फ्लो की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेट के केस में बेटा हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से जा रही हैं, आउटसाइड द मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ जा रही होगी। कभी भी आप जानते हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बेटा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, और जिस रीजन में नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपका एक हैवी मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट किया जाएगा, इन रीजन्स में फील्ड हाई होता है। इनसाइड दिस सोलिनॉइड बेटा आपके सोलिनॉइड के इंटीरियर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बना हुआ, और सोलिनॉइड के बाहर वाले रीजन में यहाँ पे प्रैक्टिकली बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। सेकेंड और थर्ड कंपेरिजन हो गया बेटा, इसकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी जो है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के बराबर होती है। इसको तो हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बी बोल देते हैं, ये सिर्फ आपका पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट होता है। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो, आप आई को बदल सकते हो एन को बदल सकते हो, और आपका अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होता जाएगा। इनसाइड द सोलिनॉइड आपका साउथ टू नॉर्थ ये मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेड होगा, एंड आउटसाइड द सोलिनॉइड इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन। एंड साथ ही साथ बेटा आपका सोलिनॉइड के बिल्कुल जस्ट बाहर वाली सर्फेसिस पे फील्ड है ही नहीं है, वैनिश कर जाता है, जीरो हो जाता है। सो दिस इज द कंपेरेटिव स्टडी बेटा। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, आपको रेगुलरली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार मैग्नेट और सॉलिनॉइड जो है इनमें पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या होने चाहिए। पहला पॉइंट बेटा इनके ज्योमेट्रिकल सेटअप में है, ये इस तरीके की ज्योमेट्री पोजेस करता है, इट इज ए सॉर्ट ऑफ योर कंडक्टिंग क्वाइल विच इज बेटे हेलिकली बाउंड। अगर ये एयर कोर है तो इसमें इंटरमीडिएट पार्ट बेटा खाली होगा, एम्प्टी होगा, एयर होगा, और अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे एक इंसर्ट कर रखा है सॉफ्ट आयरन का रॉड,
देन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपका और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। सेकेंडली इसके दो पोल्स आप क्लियर कट देख रहे हो, यहाँ पे भी दो पोल्स बन जाएंगे, बट दैट विल बी ऑल डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसे हमने बात की थी कि अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोलैरिटी बन जाएगी, अगर किसी फेस पे क्लॉकवाइज है तो वहां पे डेफिनेटली साउथ पोल आपका ओरिजिनेट हो जाएगा, बन जाएगा। तीसरी बात, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके बाहर फील्ड नहीं होता। इसके अंदर फील्ड अगर होगा भी तो वी विल नॉट बी हैविंग विद अस टू मच बेनिफिट ऑफ दैट फील्ड। इसके इंटीरियर में आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, वी कैन डिटेक्ट विद दैट मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल सर्च कॉइल। और आप ये भी कह सकते हो कि इसके सेंटर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर गया। और सबसे जरूरी बात, इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपके कंट्रोल में है। आप करंट को वेरी कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी कर लो, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली वेरी कर जाएगा। सो दिस इज द कंपेरेटिव स्टडी बेटा। सो विद दिस बेटा यही चीज मैं प्लान कर रहा था कि आज आपसे बात कर लूं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड बेटा। अगर आपका बेटे कोई है पॉइंट पूछने वाला तो आप पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू बेटा।